शार्क्स, नमस्कार। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं बीयू नेचुरल सैलून से हूँ। सालों पहले की बात है, मैं एक सैलून में अपने बाल कटवाने गया। भाई ने 400 रुपए मांग लिए मुझसे। मैं घबरा गया, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, इतने पैसे होते नहीं थे। खैर, जब मुझे बिजनेस करने का मौका मिला तो मैंने सैलून्स को चुना, क्योंकि मुझे ये सर्विसेज अफोर्डेबल बनानी थी। नाउ विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल दी सैलून ओनर्स, अफोर्डेबिलिटी की परिभाषा ना अपने देश में फ्लॉड है। हम कुछ भी प्राइस रखते हैं और ये बोलते हैं कि ये मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आज शार्क्स, मैं आपसे पूछता हूँ, स्मूदनिंग करने के लिए 8,000 रुपया, 9,000 रुपया, 10,000 रुपया लेना, क्या ये अफोर्डेबल है? कैरेटिन 5,000, 7,000, 8,000, क्या ये अफोर्डेबल है? अब बात करते हैं बीयू नेचुरल सैलून की। हम स्मूदनिंग करते हैं मात्र 1,999 रुपए एनी लेंथ, साथ में शैम्पू और कंडीशनर भी फ्री देते हैं, दैट टू ब्रांडेड। कैरेटिन करते हैं मात्र 999 रुपए में। और अगर आप दोनों महिलाएं मेरे सैलून की मेंबर होंगी तो हम वैक्सिंग, फुल आर्म्स, फुल लेग्स, अंडर आर्म्स करते हैं मात्र 49 रुपए में। कितने में? 49। व्हाट? आप सोच रहे होंगे कि अफोर्डेबल अफोर्डेबल चिल्ला रहा हूँ, कुछ बिजनेस भी बनाया है कि नहीं बनाया? एज ऑफ नाउ बीयू नेचुरल के 6 सैलून्स हैं जो ऑपरेटिंग है 5 सिटीज में, 4 सैलून्स पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी खुलेंगे। मैं इस बात को बहुत ही 100% गारंटी के साथ आज आपको बताना चाहता हूँ कि बीयू नेचुरल सैलून देश की नंबर 2 सैलून चेन बनने जा रहा है अगले 12 से 18 महीनों में इन ओल्ड सैलून कैटेगरी में, और नंबर 1 भी बन सकते हैं अगर आप लोगों का साथ मिला तो। मेरी आस्क है 60 लाख रुपीज फॉर 2.5% ऑफ इक्विटी। तो शार्क्स, क्या आप देश की नंबर 1 सैलून का पार्ट बनना चाहेंगे जो आपके सहयोग से बनेगी? जबरदस्त कॉन्फिडेंस। क्या बात है, दीपक जी, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। आपका नॉर्थ इंडिया से हो? दिल्ली। हाँ, मेरे को आपने बोला ना, भाई वाला वर्ड यूज किया ना। आपने ये सैलून खोलने से पहले कुछ किया था क्या कभी? I've done my hotel management और 2005 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ वेटर। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप वेटर बने? कड़वा सत्य है ये, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर सबका प्लेसमेंट या तो वेटर में होता है या हाउसकीपिंग में रूम अटेंडेंट होता है। और ये मैं बात 2005 की कर रहा हूँ, अभी 15 साल बाद सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। सर, वहाँ से स्टार्ट किया, मेरा लास्ट जॉब मैरियट होटल्स में एज ट्रेनिंग हेड था, फिर वहाँ से छोड़ा मैंने। फिर क्या किया? सैलून खोला मैंने। 1 नवंबर 2015 को मेरे पहले सैलून की ओपनिंग थी। 6 की 6 दुकान आपकी नॉर्थ में? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा। मेरे हमेशा से बहुत ही लंबे बाल रहे, तो बाल के बारे में मैं काफी मतलब रिसर्च करती हूँ। तो अभी आप केराटिन को ले लीजिए या स्मूदनिंग को ले लीजिए, वो ट्रीटमेंट्स में आप कैसे मुझे विश्वास दिलाएंगे कि नमिता मैं इतना कम चार्ज कर रहा हूँ लेकिन द प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म आपके बाल के लिए ठीक रहेंगे? मैं तो अपने प्रोडक्ट के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलूंगा। तो दूसरा तरीका है कि लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में। तो बीयू नेचुरल सैलून के गूगल पर 1500+ रिव्यूज हैं, शायद ही ऐसे 2-3 सैलून हैं जिनके ऐसे होंगे। प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, ये एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में। एक जीके की जो बॉटल आती है केराटिन की, वो 18,000 रुपए की पड़ती है, 32,000 रुपए एमआरपी के साथ में। 18,000 रुपए में आप 30 सर्विस निकालते हो, तो इसका मतलब हो गया मोटा मोटा 600 रुपए एक बाल पे खर्च हुए। 600 रुपए के लिए आप 9,000 रुपए थोड़ी लोगे। सो सर्विसेज में मार्जिन हमेशा ज्यादा होते हैं। देखिए, ये सैलून इतना प्राइस इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक तो रियल एस्टेट की कॉस्ट होती है, उनका रेंटल हाई होता है, ऊपर से एक सर्विस एक्सपीरियंस है। तो चेयर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, चाय कॉफी कैसी मिल रही है, एयर कंडीशनिंग, एंड कुछ कंज्यूमर्स हैं जिनको वो चाहिए होता है, कुछ कंज्यूमर्स शायद हैं जिनको नहीं। पर आप मेट्रोज में 49 रुपीज का वैक्सिंग थ्रेडिंग, ये तो PNL कभी वर्क नहीं कर सकती जितनी भी हमें। ये जो 49 रुपीज की वैक्सिंग है ना, ये कैरेट है, अपन पैसा इस 49 रुपए से थोड़ी कमाएंगे। मैंने क्या बोला था कि अगर आप हमारी मेंबर हैं, तो अगर आप हमारी मेंबर होंगी तो हर महीने आएंगे ना। और जो वैक्सिंग का वो डब्बा है ना, 55 रुपए का आता है, 6 लोगों की होती है, स्टिल आप 49 रुपए में करके भी लॉस पर नहीं हो, बट आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट तो नीचे आ गई ना। जो सैलून चेन्स खुली हैं देश भर में और काफी बंद भी हो गई, उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो मुनाफा आया ही नहीं, तभी बंद हुई। और जो अभी चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई धुआंधार प्रॉफिट है। एक सैलून बनाने में 2.5-2.5 करोड़ रुपए लोग लगा रहे हैं। आपका क्या खर्चा है? 15-20 लाख रुपए। ये आपका सैलून? जी, ये वैशाली में, महागुण मेट्रो मॉल के अंदर में। लेकिन एम्बियंस इसका ठीक ठाक है, जगह भी है कुर्सियों में, बुरा नहीं लग रहा, ब्रांड भी अच्छा लगा रखा है, और मॉल के अंदर है तो भाड़ा भी ठीक ठाक ही होगा। इसका भाड़ा बैठता है 1,80,000 रुपया।
कितना करता है ये बिजनेस? मोटा मोटा ऑफ सीजन में 10-11 लाख 12 लाख रुपए महीना, लास्ट मंथ हमने किया 11 लाख 40 हजार रुपया इस सैलून में। एंड आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है? 30% ऑन एन एवरेज। ग्रॉस मार्जिन मतलब आप जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हटा दें। देखिए मैं वैसे वाला नहीं हूँ, मुझे इतना पता है कितना पैसा आया। कैसे वाला नहीं हूँ मतलब जो पूरा अकाउंटिंग ऐसे ऐसे करके रहता है, मुझे मेरे नंबर्स पता है बहुत मतलब अच्छे से। मतलब आप हमारे जैसे नहीं? नहीं नहीं, मतलब मेरे कहने का वो तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ग्रॉस मार्जिन नेट मार्जिन ये पूरे मेरे पैसे हैं, किसी का उधारी नहीं है सर के ऊपर। टोटल कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ और कितना बचा? ठीक है, तो 3 लाख बचा 10 लाख के रेवेन्यू पे, है ना? तो उसमें आपका रेंट 2 लाख हो गया, ठीक है। तो बाकी सैलरीज 1,80,000 रुपया रेंट हो गया, ठीक है। टोटल सैलरी है 1,50,000 रुपया, कितना हो गया 3,30,000 रुपया, 2 लाख रुपया हमारा जाता है इसका जो प्रोडक्ट लेते हैं। और 1,80,000 रुपया आप जीएसटी निकाल दो, 3 लाख रुपया बच गया ना। मेरा लास्ट मंथ का 28 लाख रुपया था। तो पिछले महीने कितना बचा घर में? 7-8-9 लाख रुपए के आसपास बचा। तो ये साल कितने रेवेन्यू पे आप 4 करोड़ पे क्लोज करेंगे? 4 करोड़। और ये कैसे हो सकता है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सलोन ब्रांड? एनरिच के 75 सलोन है अपने देश में, और उनके अलावा कोई सलोन ऐसा चेन नहीं है। क्यों, नेचुरल्स है? 700 सलोन से उनका एक भी सलोन अपना नहीं है। गीतांजलि, मेघना, गीतांजलि के तकरीबन 100 सलोन से हैं, 10-15 ओन्ड सलोन से हैं, बाकी सारे फ्रेंचाइज हैं। आपका एवरेज 30 लाख का रेवेन्यू होता है आपका 6 सलोन से? हाँ, नहीं 5 सलोन से, छठवां भी खोला है। 5-6 लाख पर सलोन का धंधा करते हैं जी। जितने सलोन वालों को मैं जानती हूँ, 30 लाख का बिजनेस तो लोग एक सलोन से कर रहे हैं और आप कर रहे हैं 5-6 सलोन से। आप थोड़ा सा गुस्सा मत कीजिएगा, बट आप एप्पल टू ऑरेंज कंपेयर कर रहे हो। गीतांजलि और लोक्स मेरा उनसे कंपैरिजन नहीं है, वो लोग साउथ दिल्ली गुड़गांव में है, मेरा गुड़गांव में कोई सलून नहीं है। मैं टिपिकल ईस्ट दिल्ली में सलून चलाता हूँ। उनके फ्रेंचाइज क्यों है, आपके क्यों नहीं है? क्वालिटी जो है ना, जो चीज हम देने की कोशिश कर रहे हैं वो फ्रेंचाइज बिजनेस में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है, ठीक है। और बहुत ही टाइट मार्जिन है, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कैपेचिनो नहीं देते, बट बहुत ही बढ़िया बेहतरीन अच्छे कप में चाय मिलती है हर क्लाइंट को। वेरी नाइस, सही है गुड। ये क्या है? ये जब हमारा बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो गया तो शैम्पू और मास्क हम बेचते हैं रिटेल में, तो मेरे दिमाग में बात आई क्या हम अपना कुछ बना सकते हैं जहाँ पे मार्जिन बच जाएंगे। तो फिर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। इसका नाम है आगामी प्रोफेशनल। मुझे बहुत टाइम लग गया इसको डेवलप करने में। ये कैरेटिन हम मैन्युफैक्चर करते हैं, मैंने बनाई है। तो आपने बनाई? हाँ, मैं जिनसे अपना शैम्पू बनवाता था तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने 1-1.5 साल लगाया, कम से कम 100-150 सैंपल भेजे। हम इसलिए इसको अप्रूव कर सकते हैं, मैं दिन में 50 कैरेटिन करता हूँ, कोई और करता नहीं है, कोई भी सलून वाला। वेरी गुड। मैन्युफैक्चरर के पास बाल ही नहीं हो, किस पे ट्रायल करेगा? तो इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, सालों तक इसको ट्रायल करने के बाद में हम बना पाए कैरेटिन। इस कैरेटिन का जो प्राइस मुझे बैठता है वो 3,000 रुपये है, और ये पहली ऐसी कैरेटिन है, इसको सेम डे वॉश कर सकते हैं। सही है। आपको ये आपके दीपिंदर जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं है यार पूछने। अभी मैं पूछी बोटॉक्स क्या है? बोटॉक्स तो मुंह पे लगाते हैं ना, बाल में कैसे लगाते हैं? बोटॉक्स जो है, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हैं तो उन बालों को रिपेयर करता है। तो अगर आप मेरे पास आए और आपने बोला दीपक मेरे बालों में बोटॉक्स कर दो, तो ऐसा नहीं करते हैं हम। पहले आपकी परेशानी को समझेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, उसके बाद में ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी परेशानी को दूर करेगा हम वो समझेंगे। फिर हम आपको वीडियोस दिखाएंगे कि मैडम आपके बाल कुछ ऐसे हो जाएंगे, आप बोलोगे हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, तो हम बताएंगे कि हमें बोटॉक्स करना है कि कैरेटिन करना है या क्या करना है। क्योंकि कई बार हो सकता है जो चीज़ आप बोलो और विनीता बोले कि मैंने तो देख नमिता बोटॉक्स करा था बहुत अच्छा हुआ, तुम भी करा लो, ऐसा थोड़ी है। जो विनीता को शूट करेगा वो नमिता को थोड़ी शूट करेगा। बाहर लगाते हो कि इंजेक्ट करते हो? नहीं, सैलॉन्स में कोई भी काम ना बिना स्किन को टच करे होता है, सारा काम लेंथ पर होगा, स्कैल्प से आधा इंच छोड़कर। एक क्वेश्चन का आंसर दो, आप इन्वेस्टर का क्या करोगे? इन्वेस्टर आएंगे, वो कुछ नई चीज सिखाएंगे, बताएंगे, पैसे देंगे, तो टीम बनाएंगे ना, टीम हायर करेंगे। नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जब मेरी टीम बन जाएगी, ये जो कैरेटिन है या जो ये प्रोडक्ट है मैं B2B बेचूंगा। B2B मतलब? बाकी सैलून्स को बेचूंगा, इंडिया में कैरेटिन अवेलेबल ही नहीं है, हमने बनाई है। और इस शैम्पू को हम ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो इसका नाम आगामी क्यों है, बीयू नेचुरल क्यों नहीं रखा? बेटे का नाम अगस्त्य है, बेटी का नाम मिराया है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ अट्रिशन बहुत हाई होता है, राइट? और जैसे ही आपके ट्रस्टेड स्टाफ जो ट्रेन है, जिन्होंने क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड किया है, वो जैसे ही चले जाते हैं दूसरे सलोन, क्लाइंट्स को अपने साथ लेके जाते हैं, तो आपका अट्रिशन क्या है? वंडरफुल क्वेश्चन, जीरो। थैंक यू।
जीरो आंसर नहीं वंडरफुल आंसर जीरो आई डोंट बिलीव दैट मैं एचआर ये 0% से मैं हड़बड़ा गई मैं एचआर से हूं मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखे मेरी बात सुननी पड़ेगी आपने बोला लोग छोड़कर चले जाते हैं प्रोसेस किस लिए ओरिएंटेशन इंडक्शन किस लिए करते हैं वीकली रिव्यू मीटिंग्स होती हैं चेक्स होते हैं तो ये जेनेरिक बात हुई अब बात करते हैं एट्रिशन पर छोड़ के जाने की हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जहां पर जो समाज के वंचित वर्ग के बच्चे हैं कि जो 1.5-2 लाख रुपए का कोर्स देके मेकअप का कोर्स हेयरड्रेसिंग का कोर्स करें हम सिर्फ उनको फ्री में सिखाते ही नहीं है उनको 5,000 रुपया महीना स्टाइपेंड भी देते हैं कि आके सीख तो उनको हमने कल्चर सिखाया है वो सीखने के बाद में अगर वो जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं लेकिन अगर मेरा कल्चर मेरा प्यार और मेरा इमोशनल बैकग्राउंड उनके साथ ऐसा है तो वो बोलेंगे दीपक सर हम आपके साथ रुकेंगे बहुत ऐसे लोग होते हैं उन्हें दूसरे सैलून से थोड़ी हाई सैलरी मिलती है वो छोड़ के जाते हैं दिस इज द ग्राउंड रियलिटी आपके प्यार से कोई रुकने नहीं वाला है कि आपने उनको मौका दिया से कोई रुकने नहीं वाला है तो ये जो आप जीरो अट्रिशन बोल रहे हैं आई एम नॉट एबल टू बाय इट मैं आपसे सहमत हूँ बट फिर सक्सेशन प्लानिंग मैनेजमेंट क्या होता है सक्सेशन प्लानिंग लोग प्यार के कारण रुकते हैं मैडम देखिए दो तरीके के लोग होते हैं एक होते हैं स्किल्ड लोग और एक होते हैं एजुकेटेड लोग अगर मेरा सैलून कभी बिजनेस नहीं चला पाऊंगा ना तो शायद भूखा मर जाऊंगा पर जिसको बाल काटने आता है ना वो सड़क पे खड़ा होगा बोलेगा भैया मैं 10 रुपए में बाल काटता हूँ उसके घर में रोटी आ जाएगी शाम को तो मैं स्किल लेबर की बात कर रहा हूँ वो टिक जाएंगे तो आप सब प्यार और ट्रेनिंग स्किल वालों को देते हो अभी एडुकेटेड वालों को नहीं प्यार है नहीं हमारे पास में अभी तो वो जब आएंगे उनके लिए भी प्रोग्राम बनाएंगे अभी एक दीपिंदर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कुछ नहीं पूछना भाई आपकी दीपेंद्र जी नहीं पूछना चाहते मैं उनके लिए पूछता हूँ आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं अभी तक नहीं प्रोप्राइटरशिप में चला रहे जी तो पिछले साल कितना किया 2.46 करोड़ प्रॉफिट कितना था उसपे 25-28% था उसका मैंने देखा नहीं 50 लाख समझ लेते हैं हाँ। तो 50 लाख में आपने टैक्स भरा पूरा जीएसटी या इनकम टैक्स जीएसटी इनकम टैक्स दोनों पूरा जीएसटी कंप्लायंट है जितना हमारा जीएसटी बनता है हम बहुत ईमानदारी से पे करते हैं दीपक भाई मैंने अपना डिसीजन बना लिया है ये इन्वेस्टर इन्वेस्टर के चक्कर में मत पड़ो आप अपना पैसा कमाओ मस्त पैसा कमा रहे हो भाई एंजॉय करो मैं अभी आऊं यूएस में ना एक सैलून ऐसे ही विजन के साथ खुला था कॉल्ड ड्राई बार सेम आपका मॉडल बियॉन्ड अ पॉइंट ये स्केल नहीं होता है बहुत अभी भी डोमिनेंस वो जो लोकल सैलून होता है आंटी जी का जहाँ एक रिलेशनशिप होता है एक प्रॉक्सिमिटी होती है घर पे आके करते हैं उनका राज चलता है तो मुझे पता है कि आप 6 सैलून से डेफिनेटली 50 कर लोगे बट टू स्केल टू अ लेवल जहाँ इन्वेस्टर को एग्जिट मिलेगा वो मुझे नहीं लगता है इंडिया एंड इंडिया के कस्टमर्स आर रेडी येट फॉर अ बिजनेस मॉडल जहाँ प्राइसिंग एंड ओन प्रोडक्ट्स इज अ USP एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट बट आई लव आपका जो एक एनर्जी लेवल है जिस तरह से आप बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता लेकिन सक्सेशन प्लानिंग पता है इट्स लाइक ब्यूटिफुल एनर्जी कीप इट अप अगर यू आर दी ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ केराटिन तो आप सिर्फ केराटिन क्यों नहीं बेचते हो एक बड़ा ब्रांड अराउंड केराटिन क्यों नहीं बनाते हो ये रोज रोज की मगजमारी सैलून चलाना इसको छोड़ छाड़ के ये नहीं क्यों नहीं करते लैक में अपने सैलून इसलिए नहीं चलाता कि उनको रेवेन्यू चाहिए लैक में अपने सैलून इसलिए चलाता है कि वहाँ उनके प्रोडक्ट रख रहते हैं क्रेडिबिलिटी बनती है आगामी प्रोफेशनल को बिना सैलून के बेचने जाऊंगा ना तो बिकेगा नहीं बट जब इतने सारे लोग रिव्यू करेंगे बोलेंगे हमने आगामी की केराटिन करवाई तो उसको बेचना आसान है ये गलत बात की लैक्मे का लाइक 1% बिजनेस भी उनके सैलून से नहीं आता उनके सैलून में सैंपलिंग भी नहीं होती है पूरा हेयर का बिजनेस उनका धंधा है मेकअप एंड स्किन में वो अलग-अलग कंपनीज हैं और उसमें कोई कनेक्शन दीपक पैशन फर्स्ट क्लास में कल्चर पे फोकस वेरी नाइस एडवाइस मेरा ये है कि दोस्तों से फैमिली से डेट ले लो और आपका कैश फ्लो अच्छा है पर आउटलेट और डेट पे ऑफ कर दो एक सडन स्केल पे पहुंच जाओ कर लो 20-25-30 आउटलेट फिर आओ इन्वेस्टर के पास yeah. अभी टू अर्ली है आई एम आउट एज अ फाउंडर आप फिनोमिनल हो मतलब आपको बिल्कुल धंधा आता है एंड कॉस्ट बचाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए ये मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है आप एक्सेप्शनल हो इन ऑल दोज एस्पेक्ट्स आई एम आउट बिकॉज आप जितनी बड़ी बातें करते हो उतना भी
बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, तो इन्वेस्टर को क्लैरिटी की ये जो आपने मॉडल बनाया है कि आपने क्रैक कर दिया और आप यहाँ 600 से 600 कर पाओगे, उसका क्लैरिटी अभी नहीं है. तो फॉर दैट रीजन आई एम अभी अगर हम ये सोचें कि आप 1 लाख रुपया अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट बना रहे हो पर सलोन, अगर उसी को एक्सट्रैपलेट करें तो आपको 1 करोड़ रुपया बनाने के लिए आपको 100 सलोन की जरूरत है. और गोइंग फ्रॉम 0 to 6 एंड 6 to 100 बहुत अलग गेम है, और वो प्रॉफिटेबिलिटी आप कोई हालत में मेंटेन नहीं कर. इन्वेस्टर का पैसा यहाँ कैसे बनेगा आज आके मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, इस वजह से मैं भी आउट हूँ. बट गुड लक टू यू दीपक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. 5 शार्क आउट है. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. एक सजेशन है, अपने सलोन का नाम भी आगामी कर दीजिए. बहुत यूनिक डिस्टिंक्टिव स्टोरी वाला नाम है ये, अच्छा नाम है. थैंक यू सो मच दीपक जी, बाय. थैंक यू. थैंक यू, बाय.